हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। सद्गुरु की जीवनी। ज्यादातर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वो पिंजरे में ही इतना व्यस्त है कि कोई और संभावना उन्हें दिखाई ही नहीं देती। युगों पुरानी है मनुष्य के यात्रा की कहानियां, यात्रा स्वयं के खोज की, यात्रा अस्तित्व के खोजने की। कई बार ऐसी यात्राएं कुछ सालों में पूरी हो जाती है, तो कई बार एक यात्रा कई जन्मों तक चलती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक असाधारण मनुष्य की कहानी, जिसने कई जीवन लगा दिए सत्य की खोज में। 300 साल के बाद बना अध्यात्म की क्रांति से विश्व को हिलाने वाला वो इंसान, जिसे आज हम सद्गुरु के नाम से जानते हैं, एक आत्मज्ञानी, एक योगी, जीवन और मृत्यु के परे। यह एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं, जिन्होंने गुरु से सद्गुरु तक का सफर बड़े ही अनूठे ढंग से तय किया है। उनके विचारों, सोच और व्यक्तित्व ने लाखों लोगों के बिखरते जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी सहज वाणी किसी भी निराशा को आशा में बदलने की क्षमता रखती है। सद्गुरु एक आत्मज्ञानी, योगी, दिव्यदर्शी, लेखक, कवि और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्पीकर हैं, जो सभी की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं। सद्गुरु ने अपने रिवर्क करने वाले कार्यक्रमों से दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को गहराई में छुआ है। सद्गुरु में प्राचीन योगिक विज्ञान को आधुनिक समय के विचारों के लिए रेलेवेंट बनाने का अनूठा गुण है। वह एक पुल की तरह है, जो हमें जीवन के डीप डायमेंशंस तक ले जाते हैं। उनकी प्रक्रियाएं किसी खास विचारधारा या मान्यता से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि इन प्रक्रियाओं के जरिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के शक्तिशाली और प्रामाणिक तरीके भेंट किए जाते हैं। उन्हें भारत के 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जा चुका है। उनके बोध और तीक्ष्ण तर्क जीवन के बारे में हमारे विचारों और बोध का विस्तार करते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ सद्गुरु जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव सद्गुरु, एक नजर, पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव, प्रसिद्ध नाम सद्गुरु जग्गी वासुदेव, जन्म तिथि 3 सितंबर 1957, जन्म स्थान मैसूर, कर्नाटका, भारत, पिता डॉक्टर वासुदेव ओपथमोलॉजिस्ट, माता सुशीला देवी वासुदेव, स्कूल डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल मैसूर कॉलेज, मैसूर विश्वविद्यालय, शैक्षिकी योग्यता अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, पत्नी विजया कुमारी बैंकर, मृत्यु 23 जनवरी 1997, विवाह तिथि 1984, महाशिवरात्रि के दिन बच्चे राधे जग्गी बेटी, विवाहित, व्यवसाय संत, लेखक, कवि, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, भारतीय योगी और रहस्यवादी, आश्रम ईशा फाउंडेशन, गुरु राघवेंद्र राव जी महाराज पुरस्कार, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, पता ईशा फाउंडेशन, 15 गोविंदास्वामी नायडू लेआउट सिग्नलूर कोयम्बटूर, 641,005 नेटवर्क, 250 करोड़ रुपए। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का प्रारंभिक जीवन। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक तेलुगु परिवार में हुआ। जग्गी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव है। इनके पिता पेशे से एक ऑक्युलिस्ट डॉक्टर थे, जो इंडियन रेलवे के लिए काम किया करते थे, जिसकी वजह से वो अलग अलग जगह पर शिफ्ट हुआ करते थे। वो बचपन से ही बहुत अलग सोच रखते थे। वह किसी चीज को देखते थे
तो उसे देखते ही रह जाते थे, फिर उसी के बारे में सोचते रहते थे। उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा थी कि उनके पिता को चिंता होने लगी। उनका बेटा एक ही चीज को इतनी देर तक घूरता ही रहता है। उन्होंने छोटी उम्र से ही खुद से सवाल करने शुरू कर दिए थे, जिनके जवाब किसी को नहीं पता थे। जैसे कि जब उनको कोई पानी देता तो वो पानी को देखते रहते थे, ये सोचते हुए कि पानी आखिर है क्या चीज। उन्हें यह तो पता था कि पानी का इस्तेमाल किसी लिए और कैसे होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पानी है क्या। उनके पिता को ये डर लगने लगा था। उन्हें अपने बेटे के लिए किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। वह बहुत शांत रहते थे। उनके हिसाब से अगर उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो उन्हें कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी, उनके अंदर के सवाल और ज्यादा बढ़ने लगे थे। इन सब के साथ ही बचपन से ही जग्गी का कुदरत से अनोखा रिश्ता था। वह पेड़ों की छांव में बैठना काफी पसंद करते थे, फिर अचानक ही ध्यान में मग्न हो जाते थे। इसके साथ ही उन्हें सांप पकड़ने में महारत हासिल थी। वह जब घर लौटते तो उनकी झोली सांपों से भरी होती थी। इन सब में सबसे खास बात यह थी, वह सांप इन्हें काटते भी नहीं थे। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने योगाभ्यास करना शुरू कर दिया था। इनके योग गुरु का नाम राजेंद्र राव जी महाराज था। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की शिक्षा। जग्गी वासुदेव की प्रारंभिक शिक्षा डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल मैसूर से हुई। जब इन्होंने अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की, तब इनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन जग्गी वासुदेव ने डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं थी। उनके पिता ने कहा कि डॉक्टर नहीं तो कम से कम एक इंजीनियर बन जाओ। हालांकि इनके पिताजी डॉक्टर थे, उन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में उनके लिए एक सीट भी रिजर्व कर रखी थी। तब जग्गी वासुदेव ने कहा कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है, उन्हें सिर्फ लिटरेचर पढ़ना है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। जब वह कॉलेज जाते तो उनके प्रोफेसर उन्हें नोट्स लिखने को कहते। प्रोफेसर साहब नोट्स को डिक्टेट करते थे। तब जग्गी वासुदेव ने उनसे कहा कि आपकी नोट्स मुझे दीजिए, मैं इसकी फोटो कॉपी करवा कर वापस कर दूंगा। इसके बाद वह 9 बजे मैसूर लाइब्रेरी में पहुंच जाते, जहां पर रात में 8 बजे तक वह किताबों की दुनिया में खो जाते। इन्होंने मैसूर लाइब्रेरी की हर पुस्तक पढ़ डाली, कोई भी विषय नहीं छोड़ा। इन्होंने लिटरेचर, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, साइंस किसी भी किताब को थोड़ा नहीं, बाकी समय यह साइकिल लेकर घूमते। इन्होंने मैसूर का चप्पा चप्पा छान मारा। सदगुरु जग्गी वासुदेव का करियर। सदगुरु को मोटरसाइकिल से घूमने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही मोटरसाइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने यह यात्रा एक बार ही नहीं बल्कि कई बार मोटरसाइकिल के द्वारा की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सदगुरु ने कई तरह के बिजनेस करना शुरू किए, जिनमें पोल्ट्री फार्म, ब्रिक वर्क्स और कंस्ट्रक्शन बिजनेस शामिल है। यह सब करके सदगुरु अपने 20s में पहुंचते एक सफल बिजनेसमैन बन चुके थे। सदगुरु जग्गी वासुदेव का विवाह सदगुरु और विजया कुमारी की मुलाकात 1984 में मैसूर के एक योगा कार्यक्रम के दौरान हुई। विजया कुमारी को विजजी के नाम से भी जाना जाता था। विजजी ने हाल ही में अपनी पहले विवाह से तलाक लिया था।
तलाक के बाद वो एक स्वतंत्र महिला बनकर बैंक में काम कर रही थी। इसके बाद सद्गुरु और उनकी मुलाकात योगा कार्यक्रमों के दौरान होती रही थी। सद्गुरु और बिजी ने विवाह करने का निर्णय लिया। इसके लिए वह मैसूर में इरुपू फॉल्स के पास एक स्थानीय रामेश्वर मंदिर का गए। यह महाशिवरात्रि का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। सद्गुरु ने निश्चय किया कि उसी मुहूर्त में उनका विवाह होगा। जब सद्गुरु ने विवाह की बात दोनों परिवारों को बताई, तब इस विवाह को लेकर दोनों परिवारों में विरोध हुआ, लेकिन सद्गुरु ने किसी की भी परवाह नहीं की। सद्गुरु नहीं चाहते थे कि उनकी कोई संतान हो, लेकिन विजजी ने उन पर एक संतान के लिए जोर डाला। फिर उनके विवाह के 20 साल बाद 1990 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राधे जग्गी रखा। विजजी स्वामी निर्मलानंद के महासमाधि से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने सद्गुरु से ऐसी ही महासमाधि लेने की बात कही थी। 23 जनवरी 1997 को विजया कुमारी ने महासमाधि ले ली, फिर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसको लेकर विजया कुमारी के पिता ने सद्गुरु के ऊपर मर्डर का आरोप लगाया। बाद में जब सद्गुरु ने इस महासमाधि के बारे में सबको बताया, तब पुलिस वर्क को बंद कर दिया गया। सद्गुरु को ज्ञान की प्राप्ति, सद्गुरु जब 25 वर्ष के थे, तब वो एक दिन चामुंडी हिल पर गए, जो कि मैसूर में ही है। जब वह वहां पर बैठे हुए थे, तब वह धीरे धीरे ध्यान में चले गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह प्रकृति के साथ मिल चुके हैं। यह अनुभव उनकी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। दरअसल वह समाधि की अवस्था में चले गए थे। समाधि की अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर आपको होश तो होता है, लेकिन आपके दिमाग में, आपके मन में कोई विचार नहीं होता, आपको समय का कोई ज्ञान नहीं होता। कहा जाता है कि अगर इंसान अपने पूरे जीवन में एक बार भी समाधि की अवस्था में चला जाए, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। जब सद्गुरु समाधि की अवस्था से बाहर आए, तो उन्हें लगा कि 10 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने समय देखा, तो उन्हें उस अवस्था में 4 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद सद्गुरु एक बार और समाधि की अवस्था में गए। जब वह समाधि की अवस्था से बाहर आए, तब उनके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनके गले में फूलों की मालाएं थी। सद्गुरु के मुताबिक उन्हें समाधि में गए हुए 25 मिनट हुए थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें समाधि की अवस्था में 13 दिन हो चुके हैं। इसके बाद सद्गुरु ने अपना अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस छोड़ दिया। उन्होंने ये तय किया कि जो अनुभव उन्होंने खुद किया है, उस अनुभव को लोगों के साथ बांटेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे। इसके बाद सन 1983 में पहली बार सद्गुरु ने योग की कैटेगरीज शुरू की। इसके बाद सन 1984 में उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद भी सद्गुरु योग के जरिए लोगों को अवेयर करते रहे। ईशा फाउंडेशन की स्थापना सद्गुरु ने सन 1993 में ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। ईशा फाउंडेशन आज न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में एक्टिव है। ईशा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर योग के जरिए ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति और क्रिया सिखाई जाती है। यह कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित है। इसी सेंटर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है
जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी। इस शिवलिंग की ऊंचाई 13 फीट 9 इंच है। इसी बीच सन 1996 में सदगुरु की धर्म पत्नी विजया कुमारी ने अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बाद उन्हें अकेले ही इस सफर को तय करना पड़ा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चले गए। वह लोगों को अध्यात्म की बातें आज के युग की बातों से जोड़कर समझाते हैं, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। सन 2017 में उन्होंने 112 फुट का आदियोगी का स्कल्पचर बनवाया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टैचू है। सतगुरु ने आज तक के अपने जीवन काल में बहुत से लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें सही रास्ता दिखाया। वो अपने इस सफर में बहुत कामयाब भी रहे। 2018 तक के आंकड़े बताते हैं कि ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम को 60 करोड़ लोग अटेंड कर चुके हैं। सदगुरु टीवी और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक ही बार में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया जा सकता है। सदगुरु आज के यूथ के लिए एक आदर्श है। ईशा फाउंडेशन के सामाजिक कार्य ईशा फाउंडेशन न सिर्फ भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनन, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, युगांडा, नेपाल, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी योग के कार्यक्रम आयोजित करता है। ईशा फाउंडेशन विभिन्न सामाजिक व सामुदायिक विकास गतिविधियों में भी शामिल है। ईशा फाउंडेशन ने 2004 में तमिलनाडु में एक पारिस्थितिकी पहल प्रोजेक्ट इनएक्सपीरियंस्ड हैंड PGH की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य जल्द से जल्द पूरे तमिलनाडु में 114 मिलियन पेड़ लगाना और राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाना था। सदगुरु को पुरस्कार व सम्मान सदगुरु को पर्यावरण में सुधार के लिए किए गए कार्यों के लिए 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्हें अध्यात्म के लिए पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।